हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून दोस्तों कैसे हैं आप सब आईटीआई के छात्रों के लिए दोस्तों यहां पर भर्ती निकल कर आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है आईटीआई के छात्र अगर आप हैं तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दोस्तों यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाइल बेंगलोर कम्प्लेक्स एल तेजास डिवीज़न में किस तरह की भर्ती निकल कर आई है और कौन कौन सी पोजीशन आई है एज क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन क्या है, है दोस्तों हम सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई भी कैसे करना है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना मेरा नाम पंकज आप देख रहे हैं पंकज एडोटेक दोस्तों आपको पता है कि हम इस चैनल पर हर रोज़ यहाँ पर आई, आई संबंधित न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग दो तीन वीडियो ले करके आते रहते हैं दोस्तों अगर अब वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और पूरा देखना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन है ये इस कंपनी के बारे में दोस्तों किसको नहीं पता होता है और हर कोई का सपना होता है कि हम इस इस भर्ती इस कंपनी में जाएं ठीक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जाएं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बार जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ पूरी लग्जरियस हो जाती है बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है दोस्तों यहाँ पर है देखिए एप्लीकेशन जो है देखिए दोस्तों एल सी ए तेजस डिवीजन हाल बेंगलोर कंप्लेक्स इज इन द प्रोसेस ऑफ द इंडक्टिंग पर्सनल ऑफ़ द पोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड ई एक्स सर्विस मैन एंड फीटर अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसी इन एस टी एस सी एस टी ओ बी सी यू आर पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी ऑन टेंटर बेसी अप ए पीरियड ऑफ द फोर ईयर दोस्तों यहाँ पर ये फोर ईयर के लिए दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा इसके बाद फिर आपको एक्सटेंड किया जाएगा और दोस्तों ये गवर्नमेंट ही वैकेंसी है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिस आया हुआ है इन नॉन एग्जीक्यूटिव क्रेड टू बी पोस्टेड इन द एलसीए तेजस डिवीज़न एंड एरोस्पेस डिवीज़न और टू एनी डिवीज़न ठीक है तो चलिए देख लो दोस्तों यहाँ पर भर्ती कौन सी है कितनी पोस्ट है तो पहले दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की बात की गई थी टी वी पोस्ट कोड है और दोस्तों यहाँ पर पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों यहाँ पर एस के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर ओ के लिए दो पोस्ट है एक पोस्ट है ई के लिए एक पोस्ट है टोटल तीन पोस्ट दोस्तों यहाँ पर है किसके लिए है और दो पोस्ट है ठीक है ये दोस्तों यहाँ पर एल तेजस के लिए है और एक जो है एयर स्पोर्स के लिए है इन सब के लिए दोस्तों जो पढ़ाई शिक्षा की आवश्यकता है पी या इंटरमीडिएट और एस एल आपके पास इन बारहवीं या फिर टेंथ होना चाहिए ठीक है सॉरी बारहवीं होना चाहिए प्लस तीन साल का ई एक सर्विस मैन थ्री ईयर ऑफ ई एक्स सर्विस मैन कॉम्ब एक्सपीरियंस ठीक है आपके पास लगभग तीन साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों जो अगली पोस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए आई टी आई की छात्रों के लिए टी बी पी या फीटर दोस्तों यहाँ पर फीटर की जो भर्ती आई है दो पोस्ट है ठीक है पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर पी डब्ल्यू डी दोस्तों यहाँ पर ये आई टी आई प्लस एन एस सी प्लस एंड एन सी बी टी फीटर के लिए ये मांगे गए दोस्तों भले ही दो पोस्ट एक पोस्ट है लेकिन ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना ये डिवीज़न ऑफ द तो पोस्टिंग दोस्तों है एल सी तेजस है ठीक है बाकी दोस्तों यहाँ पर है वैकेंसी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने बताई दिया आपको आपने देख ही लिया दोस्तों बाकी दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल है एज लिमिट अट्ठाईस साल होना चाहिए आपका अधिकतर अधिकतम जो कैटेगरी वाइज डिस्काउंट मिलेगा आपको वो सब कुछ मिलेगा इस भर्ती में प्लेस आप तो पोस्टिंग दोस्तों आपको बता ही दिया मैंने कि इसका जो प्लेस है पोस्टिंग का आप, आपको जो है एल सी ए टेजस डिवीज़न एंड एरोस्पेस डिवीज़न बेंगलोर में पोस्ट किया जाएगा ठीक है तो जो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सैलरी बेसिक पे रहेगी आप ले सकते हैं इक्कीस हज़ार है और जो बाईस हज़ार दोस्तों यहाँ पर स्केल फाइव का है स्केल फोर का इक्कीस हज़ार है डी ए दोस्तों यहाँ पर एट एप्लीकेबल रेट्स है इसके बाद एच आर एँ पर है इसके बाद पर है बेसिक पे ठीक है इसके बाद यहाँ पर पच्चीस पच्चीस परसेंट बेसिक पे है फिर पंद्रह सौ दोस्तों यहाँ पर जो है अमाउंट टूवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंसिव के लिए है ठीक है दोनों तो के लिए एज पर रूल है दोस्तों अगर ये सब मिलाएंगे ना अगर इक्कीस हज़ार में अगर आप जोड़ देंगे कितना जोड़ेंगे ये सब मिला देंगे ना तो लगभग दस हज़ार पड़ जाएगा ठीक है तो लगभग हो जाएगा दोस्तों इकतीस हज़ार रुपये तो आई टी के वाली बेसिक सैलरी इकतीस हज़ार रुपये यहाँ पर हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं और चलिए कोई बात नहीं अगर आप एलिजिबल होंगे तो भर देना और दोस्तों नहीं होंगे तो कोई बात नहीं फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लेना यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है आप सबको आप सबको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है इसका दोस्तों जो वेबसाइट है ए डब्ल्यू इसको आपको क्लिक करना है और आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है हाउ टू अप्लाई दोस्तों यहाँ पर जो वेबसाइट इसकी है इसको क्लिक करना है और वहाँ पर दोस्तों जा कर कर के आपको कैरियर में जाना है और कैरियर में चीज़ें दिख जाएंगी आपको और वहीं दोस्तों आपको अप्लाई कर देना है ठीक है बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको वीडियो को बताने की कोशिश करते रहेंगे नमस्कार